नमस्कार सारा दिन खबर सब मु प्रेमदा प्रथम देखिबा कोन होइछि वर्तमान रो हेडलाइंस माड़िया सूची बात्या पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होई पारे साइक्लोन 22 परे चित्र स्पष्ट नहीं सूचना देला पानीपाग विभाग 24 रो 3 दिन राज्य में वर्षा संभावना संभाव्य बात्या नहीं सजाग राज्य सरकार सतर्क रहा नहीं जिलापाल परामर्श सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल 25 तारीख जाए हेडक्वार्टर न छाड़ निर्देश तीर्थयात्रा है शेष यात्रा केदारनाथ में हेलिकॉप्टर दुर्घटना 4 तीर्थयात्री दुई पायलट मृत्यु कारण स्पष्ट घन कुहुड़ी अघटन सन्देह भुवनेश्वर आसुवा बेले बाटरे चासी अटक नवनिर्माण कृषक संगठन को बालियंतारे अटकला पुलिस मुख्यमंत्री आलोचना आसुवा बेले हटहटा प्राइस पेंशन भली 24 दाबी से अटल चासी काश्मीर पुणी टार्गेट किलिंग सोपियान हरमान में दुई श्रमिकों हत्या कले आतंकवादी सोईता बेले कले ग्रेनेड माड़ सप्ताह दुई थर बर्बरकांड भियाले टेररिस्ट सुप्रीमकोर्ट पाइब नुआ प्रधान विचारपति देशर 50तम सीजेआई हे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 9 तारीख में विधिवत भाव ने शपथ चंद्रचूड़ ना उपरे मोहर मारे राष्ट्रपति बदलने सभापति रोजर बिनी हेले बीसीसीआई नुआ अध्यक्ष गांगुली को स्थान नेले रोजर विश्वर धनी क्रिकेट बोर्ड सभापति तालिकार बिनी का नाम संपूर्ण खबर का सेवा संभाव्य बात्या कुने बढ़िला आशंका पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होई पारे बात्या घूर्णिवलयर लघुचाप परे अवपात एवं यहा परे गभीर अवपात होबा नै आशंका करा जाय छि 23 तारीख रु साइक्लोनिक स्टॉर्म सृष्टि होबा नै रहिछि संभावना एने समुद्र रे अनुकूल रहिछि परिवेश यहार प्रभाव रे 24 रु 3 दिन वर्षा नै सूचना देछि पाणिपाग विभाग आसुचि बात्या बढ़िला आशंका पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि हो पारे बात्या एने ट्वीट करी सूचना देछि पाणिपाग विभाग घूर्णिवलयर लघुचाप और परे अवपात संभावना रही यहापर अवपात घनीभूत हो बात्यार रूप नेबा आशंका करा जाइछि गतकाली बंगोपसागर में सृष्टि होइथिला साइक्लोनिक सर्कुलेसन बा घूर्णिवलय पाणिपाग विभाग सूचना अनुसार घूर्णिवलय वर्तमान सक्रिय रही उत्तर आंडामान सागर एवं पार्श्वर्ती अंचल सक्रिय रहा वायुमंडल 5.8 किलोमीटर जाए व्यापी तेज घूर्णिवलय परवर्ती 48 घंटा मध्य नेब लघुचाप रूप पखापाखि 20 तारीख बेलू लघुचाप्रे परिणत होबार आशंका कर 22 तारीख बेलू लघुचाप अवपात परिणत होबा संभावना रही धीरे धीरे घनीभूत हो गभीर अवपात परिणत हो परे बात्यार रूप नहीं पारे बोली सूचना देछि पाणिपाग विभाग तेज देखु ये हूँ तार सैटेलाइट चित्र यहाँ बात्या को नहीं आहुरी बढ़ुची आशंका सेपर भारतीय पाणिपाग संस्था भी कहछि शक्तिशाली सामुद्रिक झड़र संभावना रही तो जो कल का जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि साउथ अंडमान सी के ऊपर और नेबरहुड एरिया पे बना हुआ था एट प्रेजेंट वो आज नॉर्थ अंडमान सी और नेबरहुड एरिया के ऊपर एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन लाई कर रहा है इसके प्रभाव के कारण अगले 48 घंटे के अंदर इसके साउथ ईस्ट और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना है फॉर्मेशन होगा लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होगा और यह जो सिस्टम है यह आगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव होता हुआ 22 तारीख की मॉर्निंग तक डिप्रेशन में बदलने की इंटेंसिफाई होने की संभावना रख रहा है यह सिस्टम जो है फिर उसके सब्सिक्वेंटली वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर ही साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की फर्दर इंटेंसिफाई होने की संभावना रख रहा है किंतु 22 तारीख परे एने चित्र स्पष्ट हो परबो अनेबडे बात्या को नहीं विभिन्न मॉडल मध्य आकलन करिछंती जीएफएस और windy.com भली संस्था मध्य बात्या को नहीं अलर्ट जारी करिछि तबे आसंदा 22 तारीख परे बात्यार रूपरेखा नहीं संपूर्ण चित्र स्पष्ट हेबो
विभिन्न मॉडल रो पूर्वानुमान अनुसार बात्या हेले यार गतिपथ ओडिशा मुहा रहिब आंध्र ओडिशा उपकूल किंबा ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल रे रहिपारे बोली आकलन करिछन्ति संस्था तबे लघुचाप प्रभाव रे 24 रु ओडिशा रे वर्षार प्रकोप आरंभ हेबो 24 रु 26 तीन दिन धरी सारा राज्य रे बरसिबा नै अनुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। अगर हम बात करें उड़ीसा के ऊपर वेदर सिस्टम की, तो आज उड़ीसा में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्य वर्षा दर्ज होने की संभावना है और अगले चार पांच दिन तक उड़ीसा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना है। इस सिस्टम पर बात करें तो अगर बात करें 23 तारीख की मॉर्निंग तक कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर हमारे उड़ीसा के ऊपर नहीं रहने की संभावना है। अगर होगा भी तो आइसोलेटेड प्लेस पे रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि इस सिस्टम को देखते हुए मछुआरों के लिए, फिशरमैन के लिए हम लोग ने ये जो एरिया शो कर रहे हैं उसमें हमारा जो वेस्ट डीप सी एरिया के अंदर और वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बंगाल के साथ में जो टच करता हुआ एरिया है वहाँ 22 तारीख की मॉर्निंग में स्केली वेदर रहने की संभावना है, जिसके प्रभाव सरफेस विंड स्पीड जो 45 to 55 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 65 किलोमीटर पर आवर होने की संभावना रख रहा है। इस वजह से फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है कि वो 22 तारीख मॉर्निंग के बाद समुद्र के अंदर डीप सी एरिया और जो वेस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट वे बंगाल के एरियाज है वहां पर फिशिंग के लिए ना जाए। बात्या हेबो कि नहीं, जदि हेबो कौन रहिबो रूपरेख, गतिपथ केमिति रहिबो, केउ आडे मुहाइबो, केउठी ल्यानफल करिबो, पवनर बेग केते रहिबो, ए सब नै आकलन करा जाय नाही। 21 रु 22 तारिख परे यार स्पष्ट चित्र जणा पडिबो, तथापि बात्या संभावना को एडाइ दिया जाय पारिबनि बोली कहिसेंति पाणीपाक विशेषज्ञ। तबे संभाव्य बात्या को नै सतर्क करिछि पाणीपाक विभाग। ए समय रे समुद्र अशांत रहिबो, समुद्र रे 45 रु 55 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। एने समुद्र रहिबो अशांत, एथिपाई 22 रु मत्स्यजीवी को समुद्र बारण करा जैछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 ओडिया। सबले संभाव्य बात्या ने सजाग राज्य सरकार, एने सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बातिल करा जैछि। हेडक्वार्टर न छाड़ीबा को निर्देश दिया जैछि। एने एसआरसी को अध्यक्षता रे बसीथिला एक उच्चस्तरीय बैठक, एथिरे संभाव्य प्रभावित जिलार जिलापाल मानकु सतर्क पाई निर्देश दिया जायछि। यास उधार कार्य को त्वरान्वित करा जिबा नै आलोचना करा जायछि। माडिया सूची बात्या, संभाव्य बात्या नै सजाग राज्य सरकार, सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बातिल। बात्या मुकाबला नै सरकार सजाग थिबा कहिछन्ति राजस्व सचिव। तबे ए पर्यंत घूर्णिबळयर प्रभाव अनुभूत होइनाही, किंतु उपकूलवर्ती जिला सह गजपति जिलार जिलापालों मुकाबला सजाग रहिबाकु निर्देश देइछन्ति एसआरसी। एने आज अपराह्ने आयोजित होइथिला एक उच्चस्तरीय बैठक, एथिरे 7 जिलार जिलापाल सामिल होइथिले। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर दायित्व रे थिबा सत्यव्रत साहूंक अध्यक्षतारे बसीथिला एक गुरुत्वपूर्ण बैठक। एथिरे संभाव्य प्रभावित जिलार जिलापालंकु सतर्क पई निर्देश दिया जायछि। यहाँ सह पूर्व प्रस्तुति नै वरिष्ठ अधिकारी सह आलोचना करा जायछि। आसंता 22 रे लघुचाप सृष्टि हेबा परे पदक्षेप नियाजिबो बोली कहिछन्ति ओएसडीएम रो कार्यनिर्वाही अधिकारी। बात्या आसिले किपरि उद्धार कार्यक्रम त्वरान्वित करा जिबो, ग्राउंड जीरो रे किभळी लोकंकु सतर्क करा जिबो से नै आलोचना होईछि। यहाँ उद्धार कार्यपाई ओड्राफ एनडीआरएफ सह स्थानीय पुलिस को सजाग पाई कहा जायछि। तबे जीरो काजुआल्टी उपरे गुरुत्व देउछन्ति सरकार। सेपरि संभाव्य बात्या पाई कर्मचारी को हेडक्वार्टर छाड़ीबा को मना करा जायछि। दीपावली छुट्टी बातिल सह 23 रु 25 पर्यंत हेडक्वार्टर न छाड़ीबा को कर्मचारी को दिया जायछि निर्देश। सेबडे बात्या को नै ओडिशावासी मनरे पसिछि छनका, विशेषकर उपकूल अंचल लोके भयभीत अवस्था अच्छा। तबे पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार 21 तारिखर यार प्रभाव में राज्य में वर्षा आरंभ हो पारे। 22 किंबा 23 तारिख बेलकू लघुचापटी एक सामुद्रिक बात्यार परिणत हो पारे। तबे लघुचाप सृष्टि ही एसबूर एक आकलन करहबोली सूचना देछि पाणीपाग विभाग। एवं 22 तारिख बेलकू बात्या नै चित्र स्पष्ट हेबो बोली सूचना देछन्ती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एट ओडिया। केदारनाथ में घटी हेलिकॉप्टर दुर्घटना एथिरे चार तीर्थयात्री दुई पायलट मृत्यु होइछि। केदारनाथ स्थित लिंजोली ठारे ए दुर्घटना घटीथिला। तीर्थयात्री को नहीं फेरुथिबा बळे घटी एभली अघटन। तेबे दुर्घटनार कारण अस्पष्ट रहिछि, किंतु घन कुहुडी पाई ए अघटन घटीथिबा संदेह करा जाउछि। तीर्थयात्रा हला शेष यात्रा, जाउथले ईश्वरक दर्शन करिवे, भाबिथिले बाबा केदारनाथ को दर्शन करि पापमुक्ति होई बाकी जीवन सुखरे बंचिबे। हेले किए जानिथिला एही यात्रा हेब शेष यात्रा। मंगलवार उत्तराखंड केदारनाथ लिंचोली में घटी एक अघटन, जो थे एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जनकर मृत्यु हो चारजी बेले दुईज थे पायलट। घटनास्थल में पुलिस और एसटीआरएफ पहुंची उद्धार कार्य करथला। तीर्थयात्री को नहीं फेरुथिबा बेले घटी अघटन। तेबे दुर्घटनार कारण अस्पष्ट रही, अन्यपक्षे घन कुहुडी अघटन घटी संदेह करा जाउछि। उत्तराखंड रे केदारनाथ धाम ठारू 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चटी रे एही दुर्घटना घटी सूचना मिली। गुप्त काशी उड़ाण भरुवा एक हेलिकॉप्टर केदारघाटी अभिमुखे आसुला। एति बेले गरुड़ चटी निकटरे हेलिकॉप्टर टी क्रैश होता। यात्री और दुईज पायलट को मिसाई मोट 6 जनकर मृत्यु हो। खबर पाई घटनास्थल उद्धारकारी दल पहुंचा और मृतदेह उद्धार कर। तेबे एही अघटन बेले उपस्थित थिबा लोकमानक कहिबा अनुसार सही समय रे खूब जोरे वर्षा होता। तेबे प्रधानमंत्री मोदी अक्टोबर 21 तारीख रे दुई दिनिया केदारनाथ गस्तरे जिबाकु थिबा बेले घटिछि एपरि एक अघटन। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार आर्यन विमान चलाचल संस्थार बेल 407 हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होइथिबा सूचना मिलिछि। अन्यपक्षे आक्सीडेंटर कारण अस्पष्ट थिबा बेले घन कुहुडी हेलिकॉप्टर टी दुर्घटनाग्रस्त होइथिबा संदेह करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 8 ओडिया। नवनिर्माण कृषक संगठन को पुलिस अटक आंदोलन पाई भुवनेश्वर आसुथिबा बेले बाली अंतरे अटकायला पुलिस, जहाँ चाषी भितरे देखादेछि असंतोष। प्राइस पेंशन सुरक्षा भत्ता भली 24 दाबी आंदोलन को ओह्लाई नवनिर्माण कृषक संगठन। गणतंत्र रे गरीब चाषी उपरे सरकार रो दमन लिया चलिबो नाय। ये गणतंत्र रे गरीब चाषी उपरे पुलिस रो गुंडा राज चलिबो नाय। बाटरे चाषी अटक, बालियंतरे हजार हजार चाषी को अटकायला पुलिस। भुवनेश्वर रे आंदोलन पई सजबाज बेले हटहट हेले चाषी। विभिन्न दाबी नै भुवनेश्वर रे आंदोलन को ओह्लाई नवनिर्माण कृषक संगठन। हेले एहा पूर्वरु बालियंता हाटपड़िया रे चाषी मानक अटकाइछंती शह शह संख्या रे पुलिस। ब्यारिकेड माध्यम रे सेमानकु अटक रखा जाइछि। प्राय 24 दाबी नै आंदोलन को ओह्लाई नवनिर्माण कृषक संगठन, किंतु चाषी को अटक रखिथिबारु असंतोष प्रकाश करिछंती चाषी। ये सब प्रचार प्रसार जितेबाला आम लड़ाई करूँ, सरकार कहले आंदोलन स्थल को आसते कहले चाषी पेनसन दिज्व अध्यादेश जारी हम ताको कालियारे परिणत कले 78 लाख लोक दिज्वी कहले बरसक 10 हजार टाँग दिज्वी कहले एवं ताको 4 हजार को आनी आ 38 लक्ष को आनी वर्तमान 40 लक्ष लोक बाद पड़गले। सरकार जो कथा निजे मुहर स्वीकार करते से ओहरी गले। आमर लड़ई हूँ चाषी पेनसन पाइबे मसकू मस 5 हजार टाँचा, बुढ़ा बुढ़ी भत्ता 2 हजार टाँग हम आम उत्पादित फसल उचित मूल्य, धान क्विंटाल 5 हजार टाँग बेकार को निजुक्ति नदारे बेकारी भत्ता 5 हजार। गणतंत्र लोक मैंने होंगे मालिक, जहाँ को भोट देखे सेवक, आउ जो माने चाकरी करिसिन कलेक्टर भी डीओ एसीडीओ से हेला हम कर्मचारी आम टैक्स पैसा दरमा नौ आम मालिक आम हक कथा कहवाक जाऊ कर्मचारी सेवक मिसिकी मालिक गोटा को अटेक रखी आम दैत्यनगर में चली चली आसीचु। राजधानी छाती चिरी आम राजधानी भितर पशु विधानसभा को आम चाबी पकेबू जदि सरकार आमरी कथा न शुणती। आम हेले मालिक, आम मालिक सेवक को पचारुचु मालिकटा आज दिन में एत तलितांत कहीं निम्न दृष्टि मालिक को देखीच कहीं तुम्हें जो भाविच मालिक को अंध बन कि खाली भोट राजनीति कर से भोट आउ राजनीति चलो ना। मालिक तातिले मातिले जगिले सेवक को उचित जवाब देवे जदि चाषी पेनसन देवे ना, बेकारी को निजुक्ति देवे ना, बुढ़ा बुढ़ी भत्ता 2 हजार करेंगे ना। तुम्हें गादी छाड़, आम तुमको भोट देखी पठेचु आम काम करने।
दीर्घ दिन हेबो प्राइस प्रेस्टीज पेंशन दाबिरे आंदोलन करियासुचंती चासी तेणु 36 लाख चाषी को 5000 टंका लेखाए सुरक्षा भत्ता बाबदरे बजेट्रे व्यवस्था करने को दावी करिछि नवनिर्माण कृषक संगठन एने मुख्यमंत्री निकट को जिबा बळे सेमानकु अटका जायथिबा कहिछि संगठन। आज जो आंदोलन चली जानते ये दीर्घ 10 वर्ष धरी नवनिर्माण कृषक संगठन तार मुद्दा रखी चाषी मान उद्देश्य चाषी उत्पादित द्रव्यर उपयुक्त मूल्य मिलू चाषी को मासक 5000 टका सुरक्षा भत्ता दिया जाऊ चाषी को सांविधानिक सम्मान दिया जाऊ खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प मध्यम राज्यर बेकारी बेरोजगारी जो समस्या रही हटा जाऊ राज्य में पर्यटन परिपूर्ण ओडिशा इटि पर्यटन विकास कले बेरोजगार हटि जापर धनधान्य परिपूर्ण ओडिशा माटी कहीं दादन खटापी जीव आंध्र प्रदेश में बुढ़ा बुढ़ी भत्ता 2500 टाँग भिन्नक्षम मानक दि जाऊँगी 3000 टाँग भत्ता भारत बर्षे 20 राज्य में 1000 टकर अधिक भत्ता दि जाऊला बेले ओडिशा मात्र 500 टाँग भत्ता देकर सरकार भुते दूँ कहीं गोटे सरकारी कर्मचारी 2.5 लाख टाँग दरमा पाइब 125000 टाँग भत्ता पाइब से ही क्षेत्र में खटी खटिकी गोटे चाषी टीए 500 टाँग भत्ता पाइब कहीं चाषी भत्ता कहीं दिजा गोटे थर जदि जड़े विधायक हो जाए जड़े जड़े सांसद हो जाए मला पर्यंत सी भत्ता पाइब जीवन सारा जी खटुच जो चाषी सी कहीं भत्ता पाइब ना ये दुनिया में समस्त जिनस लाभजुक्त दर में बिक्री बटा हो सही क्षेत्र में चाषी कहीं क्षतिजुक्त दर में तार फसल दब 2018 जोरदार आंदोलन करथिला नवनिर्माण कृषक संगठन एने नोटिफिकेशन जारी करथिले सरकार किंतु एहाकु कालिया योजना रे डाइवर्ट करा जायथिबा अभिजोग करिछि संगठन तेणु दाबी पूरण नहेला जाए आंदोलन जारी रहिबो बोली कहिछन्ति चासी। भुवनेश्वररु रोहन रिपोर्ट न्यूज 8 ओडिया। काश्मीर रे पुणी टार्गेट केले सोपियान जिल्लार हरमान रे 2 श्रमिकंकु हत्या करिछन्ति आतंकवादी सोइथिबा बळे ग्रेनेड माड करिथिबारु 2 श्रमिकंक मृत्यु होइछि। मृत श्रमिक उत्तर प्रदेश कनौजर मनीष कुमार और रामसागर एने ट्वीट करी सूचना देखते काश्मीर जोन पुलिस जम्मू काश्मीर पुणी टार्गेट किलिंग केतेबेले गुली बर्षा तो आउ केतेबेले ग्रेनेड मारो ए टार्गेट किलिंग रा शोषण होती हजार हजार लोके केतेबेले काश्मीर रा लोके तो केतेबेले बाहर राज्य रा लोके केतेबेले काश्मीरी पंडित तो आउ केतेबेले बाहर श्रमिक टार्गेट करी निरीह लोकंकु मारुछंती आतंकवादी काश्मीर रे चलायछंती बर्बरकांड। तेबे मंगलवार सकाळु सोपियान जिल्लार हरमान रे 2 श्रमिकंकु हत्या करिछंती आतंकवादी सकाळु सकाळु करिथिले ग्रेनेड माड़ एथिरे 2 श्रमिकंकर मृत्यु होइछि। मृत श्रमिक उत्तर प्रदेश कनौजर मनीष कुमार और रामसागर सेमाने सोइथिबा बळे तांको उपरकु हैंड ग्रेनेड माड़ करा जायथिबा जणा पडिछि। एने ट्वीट करी सूचना देछंती काश्मीर जोन पुलिस गुरुतर अवस्था रे प्रथमे 2 जन को उद्धार करी हॉस्पिटल ले भर्ती करा जायथिला सेठरे सेमानकर मृत्यु होइथिबा जणा पडिछि। एही हत्याकांड को नै टीआरएफ आतंकवादी संगठन निजकु दायी करिछि सेबडे ग्रेनेड फिंगिथिबा आतंकवादी को गिरफ करा जायथिबा कहिछि पुलिस। गिरफ आतंकवादी जनक लश्करे तोयबार जड़े हाइब्रिड आतंकवादी बोली जनापड़ी एने अधिक छानबीन सह अनुसंधान करुछी पुलिस। ए सप्ताह काश्मीर उपत्यकु द्वितीय टार्गेट किलिंग गत 15 तारीख दिन सोपियान चौधरी गुंडे काश्मीर पंडित पूरण कृष्णा भट्ट को गुली कर हत्या कर रक्ताक्त अवस्था मेडिकल निया बेले मृत्यु घटना एक घटना परे संपृक्त अंचल को घेराबंदी करी सर्च ऑपरेशन आरंभ करथिला भारतीय सेना। तेबे काश्मीर पंडित को टार्गेट करुछंती आतंकवादी एने जणक परे जणकर मुंडो गड़ाउछंती एमाने टार्गेट किलिंग करी हत्या करुछंती जार शिकार होउछंती निरीह हिंदू रास्ता घाट ठारु आरंभ करी विभिन्न स्थान रे गुली करी हत्या करुछंती आतंकवादी चरम सीमा रे पहुंचिछि एमानक बर्बरकांड यहाँ कुने आतंकित अवस्था अच्छा काश्मीरवासी गत वर्ष अक्टोबर मासरु आरंभ हो जाइछि आतंकवादी आतंक बारंबार घटाई चली बर्बरकांड
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ନିଜର ଜମି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ। ଏନେ ହଠାତ୍ କିଛି ମାସ ହେବ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଯାହାକି ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟ୍ ଓଡ଼ିଆ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଇବ ନୂଆ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ଦେଶର 50ତମ ସିଜେଇ ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶପଥପାଠ କରାଯିବ। ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶପଥପାଠ କରାଯିବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟୁୟୁ ଲଲିତଙ୍କ ପରେ ସେ ହେବେ ଦେଶର 50ତମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2 ବର୍ଷ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଥିବା ୟୁୟୁ ଲଲିତ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ନାମକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟୁୟୁ ଲଲିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ୟୁୟୁ ଲଲିତଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଜେଆଇ ଲଲିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ନାଁକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଦେଶର 50ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଓକିଲାତି ଜୀବନ କଥା ଦେଖିବା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଆଇନ, ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଅଧିକାର, ଧାର୍ମିକ ଓ ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଧିକାର ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ସେ ନିଜ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ନିକଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ସେ ନିଜର ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ 1 ରାଙ୍କ 1 ପେନ୍ସନ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ 1 ରାଙ୍କ 1 ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଥିଲେ ଯେ 1 ରାଙ୍କ 1 ପେନ୍ସନ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବନମୁଖୀ ନୁହେଁ ଏବଂ କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ। ବିଚାର ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ସମାନ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ। ବଦଳିଲେ ସଭାପତି, ରୋଜର ବିନି ହେଲେ ବିସିସିଆଇର ନୂଆ ସଭାପତି। ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ ରୋଜର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଧନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ବିସିସିଆଇ ବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ନୂଆ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ରୋଜର ବିନିଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ଲଗାଇଛି ବିସିସିଆଇ। ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ ରୋଜର। ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଧନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସାଧାରଣ ବୈଠକ। ଏଥିରେ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ରୂପେ ରୋଜର ବିନିଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ଏହାସହ ବୈଠକରେ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିହେବ। ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ନଭେମ୍ବର 11ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ହେବ। ତେବେ ରୋଜର ବିନିଙ୍କ କଥା କହିଲେ 1983 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ସେ ଏକ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହାସହ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ବିନି ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ 2000 ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ଥିଲେ। ସେହିପରି ବେଙ୍ଗଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର କୋଚ୍ ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇସାରିଛନ୍ତି। 67 ବର୍ଷୀୟ ବିନି ଭାରତ ପାଇଁ 27ଟି ଟେଷ୍ଟ ଓ 72ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଶାହା ବୋର୍ଡର ସମ୍ପାଦକ ଥିବାବେଳେ ରୋଜର ସଭାପତି ପଦବୀରେ ରହି ଆଗକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ତାର ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ମେନନ୍ଙ୍କ ନାଁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନିଙ୍କ ନାଁକୁ ବିସିସିଆଇ ଏଜିଏମ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବେଙ୍ଗଲର 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାରୁ ଓହରି ଯାଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣିଥରେ। ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ। 22 ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 24ରୁ 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସଜାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସତର୍କ ରହିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, 25 ତାରିଖ ଯାଏ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହେଲା ଶେଷ ଯାତ୍ରା। କେଦାରନାଥରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା, 4 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 2 ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଅଘଟଣ ସନ୍ଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଚାଷୀ ଅଟକ, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଅଟକାଇଲା ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଟହଟା, ପ୍ରାଇସ ପେନ୍ସନ ଭଳି 24 ଦାବିରେ ଅଟଳ ଚାଷୀ। କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କିଲିଂ। ସୋପିଆନ ହରମାନରେ 2 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କଲେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଲେଣି ଟେରୋରିଷ୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଇବ ନୂଆ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ଦେଶର 50ତମ ସିଜେଇ ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। 9 ତାରିଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନେବେ ଶପଥ। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବଦଳିଲେ ସଭାପତି, ରୋଜର ବିନି ହେଲେ ବିସିସିଆଇର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ରୋଜର, ବିଶ୍ୱର ଧନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ତାଲିକାରେ ବିନିଙ୍କ ନାଁ। ସମୟ ସରିଛି। ସାରା ଦିନର ଖବର କି ରଖୁଛୁ, ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.newsodia.com। ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।